हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय नो वीडियो। दोस्तों आज 26 सितंबर दिन बृहस्पतिवार, आज मैं आप सबको देश और विदेश की 25 सिलेक्टेड बड़ी खबरों के बारे में बताने वाला हूं। और इसी के साथ ही हमारे जो स्टूडेंट साथी हैं उनके लिए करंट अफेयर्स की कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स भी शामिल हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें व इस वीडियो को भी एक लाइक कर दें। सबसे पहले तो आप सबको बता दें कि आज के दिन को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर, केंद्र सरकार की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे हो चुके हैं। और वहीं आपको बता दें कि मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी बोले कि हम सब मिलकर विकसित भारत बनाएंगे। और वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि मेक इन इंडिया 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। इसी के साथ डिफेंस सेक्टर से खबर है कि दुनिया के 90 देशों को सैन्य उत्पाद निर्यात कर रहे हैं हम, मेक इन इंडिया की सफलता पर बोले राजनाथ सिंह। और वहीं आपको बता दें कि भारत का रक्षा निर्यात 2023-24 में पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया और रक्षा मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में इसे बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, भारतीय किसानों के लिए अच्छी खबर है कि किसानों को मिलेगा नवरात्र का तोहफा, इस तारीख को अकाउंट में आएगा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा। तो इसी के साथ आपको बता दें कि आधिकारिक जानकारी के अनुसार किसानों के अकाउंट में 5 अक्टूबर 2024 को किस्त की राशि आ जाएगी। इसी के साथ आप सबको बता दें कि हमारे अभी कुछ किसान भाई हैं जिन्होंने EKYC नहीं करवाई है, तो फटाफट से आप CSC केंद्र पर जाकर EKYC करवा लें, नहीं तो आप इस अगली किस्त से चूक सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सिडनी में व्यापार संवर्धन कार्यालय खोलेगा भारत। इसी के साथ अगली बड़ी अच्छी खबर है कि 5 अक्टूबर के बाद घटेंगे पेट्रोल और डीजल के भाव, CLSA की रिपोर्ट से बड़ी राहत का संकेत मिला है। वहीं आपको बता दें कि CLSA के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम 5 अक्टूबर के बाद घट सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव के चक्कर में मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ कमी आई थी। और वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि CLSA का यह भी मानना है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के साथ साथ फ्यूल की कीमतों में कटौती भी कर सकती है। इसी के साथ अगली राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली में 18,000 से कम नहीं होगी किसी की सैलरी, CM अतिशी ने लिया बड़ा फैसला। इसी के साथ आपको डिटेल्स में बता दें कि CM अतिशी ने त्योहारों से पहले श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया, वेतन में बढ़ोतरी करी है। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अतिशी ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जानकारी देते हुए कहा कि 2013 में अनस्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 7,722 रुपये था, जो बढ़ाकर 18,066 रुपये कर दिया गया है। और वहीं इसी के साथ खबर है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतिशी को जेड सिक्योरिटी का सुरक्षा कवर दिया गया। और वहीं इसी के साथ अगली राजधानी दिल्ली से खबर है कि दिल्ली में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये, मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कब से मिलेगा योजना का लाभ। वहीं आप सबको बता दें कि दिल्ली में महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर कंगना की माफी बोली, शब्द वापस लेती हूँ, राहुल बोले कि किसानों की शहादत से BJP का मन नहीं भरा। और इसी के साथ ही मनोहर लाल खट्टर बोले कि शंभू बॉर्डर पर बैठे लोग किसान नहीं है, मुखौटा पहनकर सिस्टम खराब करना चाहते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जल्द ही फैसला होगा इस पर। इसी के साथ अगली हेल्थ अपडेट से जुड़ी बड़ी खबर, पैरासिटामॉल समेत 53 दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई, CDSCO रिपोर्ट में हुआ खुलासा। तो वहीं आप सबको बता दें कि पैरासिटामॉल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई, इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। और वहीं आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इन दवाओं की सप्लाई पर फिलहाल अभी कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गुजरात के बोटाद में ट्रेन बेपटरी करने की फिर एक कोशिश की गई, ट्रैक पर रख दिया 4 फीट लंबा लोहे का एंगल, अनोखा भावनगर पैसेंजर ट्रेन टकराई, लेकिन फिलहाल भी इससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि हमारे पूरे देश भर में ट्रेन बेपटरी करने की कई साजिशें चल रही हैं। और वहीं इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि ट्रेन में कवच से 7 किलोमीटर दूर का भी सिग्नल दिखेगा, रेल मंत्री बोले कि लोको पायलट ब्रेक लगाना अगर भूला भी तो ऑटोमेटिक सिस्टम रफ्तार कम कर देगा। और वहीं करंट अफेयर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सवाई माधोपुर कोटा में कवच 4.0 का पहला सफल ट्रायल किया गया। और वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दुनिया के 50 अनोखे होटल में भारत में सिर्फ एक ही होटल शामिल है जिसका नाम है सुजान जवाई होटल। वहीं आपको बता दें कि 10 नंबर स्वीट का दरवाजा खोलते ही सामने घने जंगल में दिखते हैं लियोपर्ड। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, वफ बिल पर 1.25 करोड़ फीडबैक आए, भाजपा बोली चौंकाने वाले आंकड़े हैं ये, पहले 1,000 आते थे तो बड़ी बात होती थी, ये ISI और चीन की साजिश हो सकती है। और वहीं इसी के साथ, वफ विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी बोले कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल न करने पर सड़कों पर उतरेगा इंडिया गठबंधन। और वहीं आपको बता दें कि राहुल बोले कि जम्मू कश्मीर के स्टेहुड के लिए सड़क पर उतरेंगे, राज्य का दर्जा छीनकर यूनियन टेरिटरी बना दिया, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले।
और वहीं इसी के साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव का माहौल आप सबको बता दें कि जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज में 55% मतदान हुआ, 2014 की तुलना में 5% कम रहा वोटिंग। वहीं आपको बता दें कि श्रीनगर में सबसे कम 27% और रिहासी 72% के साथ टॉप पर रहा। और इसी के साथ ही खबर है कि जम्मू कश्मीर में ढाल बने CAPF के 1,00,000 जवान, त्रिस्तरीय सुरक्षा में बिना भय के लोग कर रहे थे मतदान। और इसी के साथ ही भारतीय जवानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि जवानों के लिए तैयार हुई लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट सामने और पीछे के कवच के साथ 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है मॉड्यूलर जैकेट। और वहीं आपको बता दें कि देश के साथ ही जवानों की सुरक्षा के लिए DRDO नए नए उन्नत हथियार तैयार करता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चलिए देखते हैं देश भर के मौसम का हाल। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में 3 दिनों तक तेज बारिश का अनुमान है। और वहीं इसी के साथ देश का मानसून ट्रैकर आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ, कल स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। और वहीं पुलिस ने कहा कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश का हाल जानते हैं कि यूपी में अचानक मौसम बदला, 7 शहरों में बारिश हुई, मथुरा में बाइकें डूब गई, वहीं बस में भरा पानी, शाहजहांपुर में घर में घुसा मगरमच्छ। और वहीं मौसम के साथ ही आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, बारिश कम होने के बाद लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या, हर रोज 11,000 श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। इसी के साथ मौसम के बाद चलिए जानते हैं सोने व चांदी का भाव, पहली बार 75,000 के पार निकला सोना। वहीं आपको बता दें कि सोने का रेट 75,248 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, वहीं चांदी 2,328 रुपये बढ़कर 90,730 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र से अगली बड़ी खबर, सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा गिरी थी, वहीं आपको बता दें कि अब नई प्रतिमा स्थापित होगी, टेंडर भी इसका जारी हो गया, 6 महीने की समय सीमा तय की गई है। इसी के साथ अगली उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, सीएम योगी बोले कि यूपी में जल्द तैयार होंगे 10 एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पूरब से पश्चिम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां सावधान हो जाए, सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया, 1 रुपए में आईफोन का ऑफर देकर नहीं दिया तो सरकार वसूलेगी पैसा। वहीं आपको बता दें कि दिवाली और दशहरा ऑफर के नाम पर आम उपभोक्ताओं के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करना, जैसे 1 रुपए में आईफोन ज्यादा शिपिंग चार्ज वसूलना और दावों के विपरीत सामान की आपूर्ति करने पर अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं इसी के साथ शिपिंग चार्ज और रिटर्न पॉलिसी को लेकर भी सरकार सख्त है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया कि अगर कोई भी शिकायत हो तो उस पर दर्ज करवाएं, ई कॉमर्स कंपनियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से। और वहीं इसी के साथ अगली हेल्थ अपडेट से जुड़ी बड़ी खबर, HIV संक्रमण में 44% की आई कमी, केंद्रीय मंत्री ने कहा एंटी रेट्रोवायरल दवाओं के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में है भारत। और वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि भारत ने 2030 तक एड्स को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई, देश में 25,00,000 से अधिक लोग HIV से पीड़ित हैं। और वहीं इसी के साथ प्रदूषण के नियंत्रण पर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, डीजल जनरेटरों की जगह CNG जनरेटरों को मिलेगा बढ़ावा। और वहीं इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए खबर है कि योगी सरकार ने अब EKYC की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। वहीं आपको बता दें कि अब EKYC कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर कर दी गई। और वहीं इसी के साथ उत्तर प्रदेश से अगली खबर, UPSRTC की बसें रेलगाड़ी की तरह चलेंगी, ई टिकटिंग मशीन से मिलेगी बसों की लाइव लोकेशन। और वहीं अगली बड़ी खबर, यूपी में हाईकोर्ट के आदेश पर गर्जा बुलडोजर, अवैध घर दुकानों को किया गया ध्वस्त, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। इसी के साथ अगली अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से खबर है कि चीन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, नकली वॉरहेड के साथ दागी। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत महासागर में 44 साल बाद टेस्टिंग की है चीन ने। और वहीं इसी के साथ ही अगली खबर है कि UN में ईरान बोला कि इजराइल को रोकना जरूरी है, नहीं रोका तो पूरी दुनिया में जंग छिड़ेगी, लेबनान अटैक का हम अभी जवाब नहीं देंगे। और वहीं इसी के साथ इसराइल हमास जंग पर खबर है कि इसराइल हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग चल रही, अब तक 600 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें, IDF चीफ बोले कि हम रुकने वाले नहीं हैं। और वहीं इसी के साथ रूस और यूक्रेन जंग पर खबर है कि जेलेंस्की बोले कि रूस को जंग रोकने के लिए मजबूर करना होगा, UNSC में कहा कि सिर्फ बातचीत से नहीं निकलेगा हल, पुतिन खुद पीछे नहीं हटेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही, कैसी लगी आपको आज की ये खबरें अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।